अकेडमी स्कूल के प्रिंसिपल साहब श्री कोष्टी जी और इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री अमित जी, सहयोगी शिक्षकगण व विद्यालय के बहादुर छात्र छात्राओं, आज आप बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस आज पूरे देश में जिस जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता, वह देश अपना देश उस उत्साह से नहीं मना रहे। उसका एक कारण है, वह कारण आप सभी छात्र जानते हैं क्या कारण है कोरोना वायरस। सभी शिक्षण कैंपस लगभग बंद है ना, ये 9 to 12 ये क्लासें खोल रखी हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये कोरोना वायरस है कैसे लोगों पर इफेक्ट किया है, जो स्ट्रॉन्ग है उन पर इफेक्ट हुआ है या पुअर पर हुआ है? पुअर पर। कमजोर किस्म के जो लोग थे उन पर वायरस ने इफेक्ट किया है, जो स्ट्रॉन्ग है उन पर वायरस का इफेक्ट नहीं हुआ है। पूरे विश्व से आप सीख ले लें कि इंडियन लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंडियन लोग स्ट्रॉन्ग, इंडियन मीन्स हम और आप, विश्व की अपेक्षा हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, हम आप मजबूत हैं, क्योंकि हमारी आपकी दिनचर्या बहुत मजबूत है। क्या मजबूत है? दिनचर्या बहुत मजबूत है। हम लोग हार्ड वर्क करते हैं। कैसा वर्क करते हैं? हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन अमेरिका है, स्पेन है, ब्राजील है, ब्रिटेन है और भी अन्य देश हैं, वहां पर शॉप काम करते हैं, इसलिए वहां कोरोना वायरस अधिक इफेक्टेड हुआ है, बशर्ते अपने देश के अंदर कमजोर रहा। कैसा रहा? जबकि अपने देश की जनसंख्या अधिक है। क्या अधिक है? हम वहां पर देखें अन्य देशों में इतना संख्या नहीं है। तो आप बहादुर बच्चों सीख लें, आप हर वर्ष चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, सामाजिक त्योहार हो, मना लेते हैं, इफ्तारी कर देते हैं। संकल्प लेना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है और कामयाब बनना है, ये आपका फार्मूला हमेशा होना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए, जब आगे निरंतर आप आगे सीढ़ी बाई सीढ़ी बढ़ेंगे तो ऊपर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, मंजिल ऊपरी पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए, आप विदाउट टारगेट से चलते हैं। विद्यालय से आपको हार्ड वर्क दिया जाता है, एवरी सब्जेक्ट का दिया जाता है, लेकिन उसको आज का कल, कल का कल, कल का कल, कल का कल कर देते हैं और कल का आज 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 उस कार को नहीं निपटाते। यही आपका सोच गलत है। आपसे आपके माता पिता की उम्मीदें जुड़ी हैं, आपके गुरुजनों की उम्मीदें जुड़ी हैं, स्कूल कैंपस की उम्मीद जुड़ी हुई है कि हमारे बच्चे अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे लायर बने, अच्छे इंजीनियर बने,
अच्छे पुलिस कमांडेंट बने, अच्छे वायु सेना के चीफ बने, ये सबका सपना है। विशेषकर माता पिता का सपना रहता है, गुरुजनों का सपना रहता है, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए जीवन में ये संकल्प और सीख लेना चाहिए कि हम कामयाब बनेंगे। और कामयाब तभी आप होंगे जब आप स्वच्छ रहना। कैसा रहना? कैसा रहना? स्वच्छ रहना। दूसरा, घर में परिवार में जो भी बनेगा उसको बड़े ही चाव से, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ उसका सेवन करेंगे। और अपने से बड़े बुजुर्गों का एवर आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उनकी हर बात को सुनेंगे और उनकी हर बात सुनकर के उनको मदद देंगे। क्या देंगे? मदद। क्या देंगे? मदद। कोई असहाय है,